अली, हम आपको साथ ले जाना चाहते थे। कहाँ? वो अलादीन की रूह ने हमें बाजार में मिलने के लिए बुलाया आज। सब जानते हैं वो कितना खतरनाक है, लेकिन हम जानते हैं कि आप कितने जाबाज हैं, और अगर आप हमारे साथ उस वक्त वहां मौजूद होंगे तो हमें कोई भी मुसीबत छू तक नहीं पाएगी। शहजादी, तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं सौदागर जाबाज नहीं, और मैंने सुना है कि अलादीन सच्चा जाबाज है, बहादुर है, तलवारबाजी में भी बहुत माहिर है वो, और आपका आपको बाजार जाने की क्या जरूरत है? अब किसी भूत ने बुलाया है? आपकी सहेली ने तो खरीदारी के लिए बुलाया नहीं कि आप उसके लिए बाजार जाएं। हाँ, देखिए शहजादी, मैं तो कहूंगा कि आप बाजार मत जाइए, मैं भी नहीं जा रहा हूँ। आना तो आपको पड़ेगा अली साहब। हमें लगा था कि आप हमारे दोस्त हैं, हमारी फिक्र करते हैं। पिद्दी ने हमें बताया कि जब हम बेहोशी की हालत में थे तब आप रोज हमें देखने आते थे, पिद्दी से हमारा हालचाल पूछते थे, इसलिए हमें लगा कि आप हमारे साथ, खैर हमें लगता है कि आपको पहचानने में हमसे भूल हो गई। वो सब तो मैंने वजीरे आला के कहने पे किया था, वो इतने उम्र दराज जाबाज हैं, मैं तो कहूंगा कि आप उन्हें साथ में ले जाइए। हम वजीरे आला को परेशान नहीं करना चाहते, तो वो वैसे ही बहुत परेशान रहते हैं, और वैसे भी ये हमारी खुद की लड़ाई है, और हम अब इसे अकेले ही लड़ लेंगे। हम बस ये चाहते थे कि हमारे पास कोई ऐसा हो जो हमारे अच्छे और बुरे वक्त दोनों में हमारे साथ हो, जिस पर हम आंखें बंद करके यकीन कर सके, जो हमारी फिक्र करे, जो हमारा सच्चा दोस्त हो। पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगा कि आप हमारे सच्चे दोस्त बन सकते हैं। खैर, इंसान है, इंसानों से तो गलतियां होती हैं। हम चलते हैं। अगर मैं तुम्हारे सामने अली बनकर आया तो अलादीन की रूह का बगदाद के सामने आने का वादा कैसे पूरा होगा? शहजादी, आपसे कोई गलती नहीं हुई। मैं आपके साथ चलूंगा। मैंने सोचा था कि मैं घर वालों के लिए जलेबी और समोसा बनाऊंगा। जलेबी झुमरू बना लेगा और समोसा मैं, लेकिन अब लगता है कि जलेबी ही खाना पड़ेगा, समोसा फिर कभी। इसका दिमाग तो ठीक है, यानी ये कि आज अपना काम जलेबी करेगा, समोसा अपना काम फिर कभी कर देगा। आइए शहजादी। आज सिर्फ जलेबी? मुझे पता ही नहीं था आका हमारे लिए समोसे बनाने वाले थे, लेकिन अब जो पता चल गया है, बहुत भूख लगी है और समोसा खाने का दिल कर रहा है। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि अगर जलेबी और समोसे खाते नजर आओगे तो पूरी रात पेट पकड़ के चहल कदमी करते नजर आओगे। उफ,
झुमरू सर नहीं पेट, और कल सुबह हमारे लिए जलेबी बना के रखना, हम सुबह उठ के खा लेंगे। ओ 1,500 साल पुराने दिमाग वाले चचा, तुम दोनों खाना खाने का गाना बंद करोगे? आका ने खुफिया तरीके से हमें पैगाम भेजा है कि वो आज समोसे नहीं बना पाएंगे, इसलिए जलेबी मुझे बनानी होगी। हाँ? बावर्ची, बावर्ची खाना उधर है। अबे ओ 1,500 साल पुराने दिमाग वाले चचा, इसका मतलब है कि आका आज शहजादी के साथ मसरूफ रहेंगे, सारा काम मुझे करना होगा। तुम अपने दिमाग को आराम दो, चलो। ले लो, कभी वापस मत आना। ले लो मियां, ले लो। बेगम तुम ले लो। ये मटका सिर्फ तुम दोनों में से घर की औरत ही रखेगी, वरना ये रूह आजाद हो जाएगी। चलो ले लो, ले लो बेगम, ले लो। अच्छा चलते हैं, शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे घूरना बंद करो और एक जरूरी बात सुनो। ये मटका तुम ले तो जा रहे हो, पर इसने अपने और अपने घर वालों के खून की दो बूंदे नहीं डाली तो ये रूह फिर से आजाद हो जाएगी। क्या कहा? दूसरी दुनिया का कानून यही कहता है, ले जाओ और पलटना नहीं, मेरी तरफ मुंह करके उल्टे पैर अपने घर चले जाओ। और हाँ, अगर मुड़ कर भी देखा तो रास्ता नहीं अलादीन की रूह नजर आएगी। अब ये दोनों आज बाजार में होने वाले मेरे लाडले के खेल के आंगन में अपनी दखलंदाजी के कांटे नहीं बो पाएंगे। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, आज इस अलादीन के भूत का आखिरी दिन होगा। भाईजान, आज तो मैं उसकी ऐसी हालत करूंगा। तू ये बस यही हमारी परेशानी है तुमसे। वो खबीस अलादीन का नाम आया नहीं तो तुम शायराना अंदाज में घुस जाते हो। तोड़ दूंगा, मरोड़ दूंगा। अरे तो तोड़ो मरोड़ो, जो करना है करो, ऐलान मत किया करो। और समझ लो, आज कोई ऐलान नहीं होगा, आज हमला होगा, हमला। जो हुक्म भाईजान। उल्लू, चलो उल्लू। अरे आगे जाने दीजिए, मुझे नहीं जाना। बगदाद की आवाम को बगदाद के वजीर आला का सलाम। अलादीन के भूत, यार हम तुझे खत्म कर ले, तू बच सके तो बच। हमें लगा था कि अलादीन की रूह ने सिर्फ हमें ही बुलाया है, लेकिन यहाँ तो पूरा शहर मौजूद है। वजीर आला, ये शख्स अलादीन के भूत से बार बार पिटता है, हर बार पिटता है। ऐसा पिटता है कि हवा में लहराते दुपट्टे की तरह कांपने लगता है, लेकिन फिर भी अलादीन के भूत के सामने आने से हटता नहीं। ऊपर वाले ने मेरे यार को बड़ी फुर्सत से बनाया है। अली साहब, आप यहाँ हमारे साथ आए हैं अकेले, और आप हैं कि कभी कभी आप इतने करीब आ जाती हैं कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी तो आप नजरों से, खुद से, बगदाद से दूर जाने को कहती हैं। मैं ना आपको समझ नहीं पाया हूं, ये ना गलत बात। हम माफ कीजिए, आप लगा तो नहीं आप ठीक हैं? ठीक ही होंगे। हम जानते हैं कि आप सब
कातिल अलादीन की रूह से बहुत परेशान है। अगर वो कमजोर आप सभी के बीच आ चुका है तो एक दिलवाला भी। दुश्मन आपके सामने है, हिफाजत करने वाला भी आपके सामने। अगर अलादीन की रूह यहां मौजूद है तो आप सभी के रखवाले जीरे आला भी मौजूद है। ये बात कहां से आ रही है? मुझे पता होता तो पहले नहीं बता देती। लगता है वो आ गया। अलादीन, नाम तो सुना होगा, या अल्लाह अली यहाँ है तो अलादीन की रूह वहां कैसे? ये कैसी पहेली है? काश मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे पाता नकचुड़ी। खैर ये तो बस शुरुआत है। खाता हूं मैं बेजानी छोले भटूरे, चला दे अलादीन के भूत को मेरे आंख के गोले। आग का गोला किसने फेंका? जिनू ने। ये काम उसके अलावा और कौन कर सकता है? घबराइए मत, ये हमारी खुफिया फौज है। खुफिया फौज? हमने खास तौर पे उस खबीस अलादीन की रूह से लड़ने के लिए तैयार किया। आप सभी के लिए। और ये आग का गोला इन्होंने ही फेंका है। तू बगदाद की खुफिया फौज ले आ, दुनिया की हर सल्तनत की फौज ले आ, शैतान को भी जमीन पे ले आ, लेकिन मुझे नहीं रोक पाएगा। अंगूठी छाप, तुम ठीक तो हो? मेरे लिए इतनी देर तक वहम का जादू करना मुश्किल है, लेकिन अपने आका के लिए मैं कुछ भी करूंगा। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। जन ने अपना जादू शुरू कर दिया होगा। हमारे चिराग के जन, हमारे जिगर के छल्ले आज इस
پوری دنیا کے سامنے اس بات کو ظاہر کر دو کہ تم دنیا کے سب سے طاقتور جن ہو. ایک طرف دنیا کا سب سے طاقتور جن میرا جنو اور دوسری طرف صرف وہم کا جادو کر پانے والا انگوٹھی چھاپ. پتا نہیں کیا ہونے والا ہے. جنو میرے بھائی یہ کیا ہو گیا ہے؟ ہاں کھا کے بڑھتے چلے جا رہا ہے. پھول سا تھا کانٹا بن کے میرے راستے میں چلا جا رہا ہے. یہ کانٹا تمہیں چومنے والا ہے الادین کے بھوت. جن کہہ رہے میرے لیے زیادہ دیر تک جادو کرنا مشکل ہے. اگر میں جلدی جادو کر کے یہاں سے نہیں نکلا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. جنوں پر میرے وہم کا جادو زیادہ دیر کام نہیں کرے گا. جھمرو اپنے جادو سے نہیں تو اپنی عقل سے کام کرو. چڑھنے والے کو اور چڑھایا جائے تو وہ غصے میں اپنے ہوش کو بیٹھتا ہے. سمجھ گئے نا؟ الادین چراغ کے جن سے بچیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ میاں کے کرم سے. حیران مت ہو ظفر. تجھ جیسے کی سوچ کہاں تک جا سکتی ہے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں. پانچ دن. اگلے پانچ دن کے اندر اندر پوری دنیا جان جائے گی کہ میں بے قصور تھا. مجھے اس گناہ کی سزا ملی تھی جو میں نے کیا ہی نہیں تھا. پانچ دن. سامنے ہے لیکن پھر بھی میں تجھ پہ جادو نہیں کر سکتا کیونکہ اس وقت آقا بھی تیرے ساتھ ہے. اور اگر میں نے جادو کیا تو آقا بھی اس جادو کی چپیٹ میں آ جائیں گے. اور ویسے بھی یہاں اتنے سارے لوگ ہیں کہ میں چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتا. مجھے خود پہ قابو کرنا ہوگا لیکن کیسے؟ شہزادی یہ یہاں کب آئی اور وہ بھی علی کے ساتھ؟ میں آ گیا نکچڑی. Thank you.
अलादीन भाई, मुझे इतने गुस्से में मत देखो। महली लोग मुझे अलादीन समझते हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन आप मुझ पर गुस्सा मत कीजिए, मैंने आपके साथ कुछ नहीं किया। पता है, नकचड़ी, तुम मुझे मुझसे ज्यादा जानती हो, फिर तुमने कैसे मान लिया कि मैं तुम्हारा यकीन तोड़ सकता हूं, तुम्हें दगा दे सकता हूं, तुम्हारे अब्बू का कत्ल कर सकता हूं। मैं जिसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूं, मैं उसे चोट कैसे पहुंचा सकता हूं? क्या हमारी दोस्ती इतनी कच्ची थी नकचड़ी? मैंने बादशाह सलामत का कत्ल नहीं किया नकचड़ी, और ये बात मैं तुम्हें बहुत जल्द साबित कर दूंगा।